नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 2019 के चुनावों से पहले जो परीक्षा का अंतिम पड़ाव जिसे हम कह सकते हैं सर पर है, और उसी बारे में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हमारे साथ हैं। सीधी बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, सबसे बड़ी मुश्किल में कहां पर हैं आप? देखिए, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और तीनों राज्य हमारे संगठनात्मक रूप से बहुत अच्छे राज्य हैं, जहाँ सबसे पहले जनसंघ का काम बढ़ा, पला भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से आगे बढ़ी। और 15 साल का हिसाब किताब करें तो राजस्थान में 10 साल और बाकी दो राज्यों में 15 साल हमारी सरकार रही। तो हमने इस चुनाव को, तीनों चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और लड़ा है। यानी आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं होगी कहीं पर? नहीं, मैंने ऐसा नहीं, हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। तो कोई स्कोर लाइन आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 5 में? देखिए, अभी स्कोर लाइन कहना बहुत दिक्कत होगा। मध्य प्रदेश में हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे, लगभग छत्तीसगढ़ में 50-55 के बीच में जीतेंगे हम। जहां तक राजस्थान का सवाल है, कल ही पर्चा वापिस लेने का समय गया है, 1-2 दिन में चुनाव शेप लेगा। अभी वहां का प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वो समय नहीं आया है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपको एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं लग रहा है? 15 साल हो गए। देखिए सीता जी, एक एंटी इनकम्बेंसी चुनावी विज्ञान के जानकारों ने जिस चीज के लिए शब्द प्रयोग किया है, मुझे लगता है सब जर्नलिस्टों ने इसको ऐसे ही स्पिरिट समझे बगैर उठा लिया है। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार के काम से नाराज होने वालों की संख्या सरकार की योजनाओं से खुश होने वालों की संख्या से बड़ी होती है। तो ये प्रो इनकम्बेंसी है? प्रो इनकम्बेंसी जो होती है, अकेले एंटी इनकम्बेंसी का चर्चा कभी नहीं हो सकता, मगर अब आ गया है, सब लिख कर ले आते हैं, पूछते रहते हैं, हम भी जवाब देते हैं। इस बार मोदी जी उतनी ज्यादा रैलियां करते नहीं दिख रहे हैं जितने पहले गुजरात में दिखे या उत्तर प्रदेश में। वो ही रेंज है, 2 लोकसभा के बीच में एक रैली। नहीं, ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यों के मुख्यमंत्री चूंकि बड़े चेहरे हैं खुद, तो इसलिए मैन ऑफ द मैच वही बने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह से रणनीति तैयार नहीं होती है। मोदी जी की रैलियां राजस्थान में भी 10 है, यहाँ पर भी काफी हुई है, छत्तीसगढ़ में 5 करी है। और इस सब के बीच, चूंकि चुनाव चल रहे हैं और उस सब के बीच राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ गया है, ये कोई रणनीतिक तो नहीं है? देखिए, रणनीतिक इसलिए नहीं है कि राम मंदिर का जो केस है वो 9 सालों से चल रहा है, कोई आज का केस नहीं है, 9 सालों से सुप्रीम कोर्ट में। हमने कभी नहीं कहा केस को टालो, कांग्रेस ने कहा केस को टालो, हमने तो हमेशा कहा, सरकार के वकीलों ने, हमारी सरकार के वकीलों ने, और जो अखाड़े के वकील है, रामलल्ला के वकील है, वो सारे लोगों ने कहा कि केस की इमीडिएट सुनवाई होनी चाहिए। तो हमारा बस चलता तो केस अब तक सेटल हो जाना चाहिए, राम मंदिर बन गया होता। पर अयोध्या तो से हम कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इसके? अयोध्या में, वाराणसी में और जनवरी में प्रयागराज में भी संतों का जमावड़ा होगा। प्रयागराज मेरा ख्याल है आप भी जाने वाले हैं, तो ये सारी चीजें तो लग रही है ना कि थोड़ा तेजी देने के लिए? नहीं नहीं, मैं हर बार कुंभ में जाता हूँ, इस बार चुनाव है इसलिए आपके लेसन के अंदर आया है। मैं 8 कुंभ में गया हूँ कंटिन्यूसली। अच्छा, आप ही की कही बात कि राम मंदिर हमारा कमिटमेंट है, 1 इंच भी पीछे खिसकने की का सवाल नहीं उठता जी। अदालत में मामला है जी, अदालत ने में अगर नहीं मामला होता है, अगर वो ऑर्डर नहीं आता है, तब उस कमिटमेंट का क्या होगा? देखेंगे, अभी जनवरी में केस है, मैं तो आशा करता हूँ कि हो जाएगा। तो अमित जी, ये जो कहा जाता है कि आदेश नहीं तो अध्यादेश, आरएसएस की तरफ से ये बात कही गई है, बीजेपी के कई अलग अलग कुछ सांसद, कुछ उत्तर प्रदेश के विधायक इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या अध्यादेश आएगा? अभी हम जनवरी की राह देखेंगे। और नहीं तो रास्ता निकल सकता है, वो अभी जनवरी तो आने दीजिए। सीपी जोशी कहते हैं कि कांग्रेस ने ही जो किया है सो किया है, चाहे ताला खुलने की बात हो तब भी कांग्रेस की तरफ से हुआ, और अगर मंदिर निर्माण होगा तो भी कांग्रेस करेगी। उसमें से क्या कांग्रेस ने राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले किया?
आंदोलन के कारण उन्हें करना पड़ा, आप कह रहे हैं? आंदोलन के कारण करना पड़ा, आंदोलन हमने किया। और कांग्रेस ने तो, कपिल सिब्बल ने, अभी ये केस चल रहा था, मैं गुजरात चुनाव के वक्त की बात कर रहा हूं, तो अभी मांग करी थी कि 19 के बाद सुनवाई करिए, पर कांग्रेस ने कहा है ये उनके निजी मामला है, उसमें वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक वकील के तौर पर। देखिए, आप भी समझ रही हो निजी मामला क्या होता है, कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के बगैर वो कोई केस ले सकते हैं, ऐसा पॉलिटिकल केस? और कांग्रेस ने तो यहां तक कहा है कि आप जो भी संसद में करिए वो आपके पीछे मजबूती से खड़े हैं। मैंने नहीं सुना ऐसा, किसने कहा है? नहीं, ये तो हर जगह हर मंच से कहा जा रहा है। कोई नहीं कहता, कल राहुल गांधी जी निवेदन करे जरा इतना, उसके बाद आप संसद में आगे बढ़े, बात की बात है, पहले निवेदन तो करे। मैंने तो ऐसा नहीं सुना कोई कांग्रेसी। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर होकर आए, वो शिव जी को जल चढ़ाते हुए तस्वीरें उनकी, पोस्टर लगे रहे, आपको लग रहा है कि उनका जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो कारगर साबित हो रहा है, बीजेपी को डर लग रहा है? देखिए, जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम बचपन से करते आए, चुनाव के लिए नहीं करते, और कारगर होगा नहीं होगा वो तो जनता तय करेगी, मगर मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो अगर ये कहा जाता है कि राम मंदिर का मुद्दा अभी सुनाई क्यों देता है हमेशा चुनाव से पहले, तो आपको नहीं लग रहा है कि उससे पहले ही अचानक पूरी सुगबुगाहट शुरू हुई है? मुझे, आप मुझे एक बात बताइए, ये फैसले का अगर 13 में जजमेंट आ जाता तो आज होता फैसला चर्चा में? हमारे हाथ में नहीं है, हम डेट तय नहीं कर सकते। पर अब चूंकि अदालत ने भी कह दिया है कि इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसका सीधा मतलब ये भी निकलता है कि जरूरी नहीं कि जनवरी में का है, अब जनवरी में देखिए क्या करते। वैसे कांग्रेस ने तो कहा ही है कि 19 के बाद चलाइए। अगर साक्षी महाराज कहते हैं कि जामा मस्जिद तोड़ दो, अंदर से एक आध मूर्तियां निकल आएंगी, तो ये पार्टी की सोच है या? जरा भी पार्टी कैसी सोच नहीं है ना। चलिए चुनावों पर ही वापस लौटते हैं, क्योंकि यहां पर आपने छिंदवाड़ा में सुना यानी कि आप दिग्विजय सिंह राजा, माधवराज सिंधिया, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजा, उद्योगपति कमलनाथ, उस हिसाब से तो वसुंधरा राजे भी महारानी ही हुई ना? जी जरूर है, मगर भारतीय जनता पार्टी में राजे महाराजे भी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, ऐसो आराम के जीवन नहीं जीते हैं। कांग्रेस में अलग है, कांग्रेस में परंपरा ही ऐसी है। और ये जो बातें कही जाती हैं कि वसुंधरा राजे पर दिल्ली की चली नहीं टिकट बंटवारे को लेकर, ये सच है? हम सब ने बैठकर सर्वसहमति से सारे फैसले लिए हैं। आप चिंतित हैं राजस्थान को लेकर? जरा भी चिंतित नहीं। एक सवाल जो सरकार पर उठते हैं बार बार, उसमें संवैधानिक संस्थाओं पर उनसे टकराव की बात होती है, जो कि सीबीआई की के केस में नजर आया है। देखिए, जहां तक सीबीआई के केस का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें सरकार ने कोई दखल नहीं किया। दो सीबीआई के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, एक दूसरे पर कंप्लेंट्स करी। अब वो कंप्लेंट्स की जांच कौन करे? वो दो तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे पर एक ही चीज की कंप्लेन लगी है। तो हमने सीबीसी को रिफर किया, सीबीआई का जो जजमेंट आया है इसमें सीबीसी को मॉनिटरिंग एजेंसी माना गया है, तो हमने सीबीसी को रिफर किया। अब रिफर करने के बाद जब सीबीसी जांच करती है, सारे कागज लेंगे, देखेंगे, सबकी पूछताछ करेंगे, उस वक्त अगर ये दोनों पदाधिकारी सीबीआई के उच्चस्थ पद पर बैठे हैं तो न्यूट्रल जांच हो सकती है क्या? तो हमने उनको छुट्टी पर जाने के लिए कहा जब तक जांच समाप्त हो। इसमें दखल क्या है मेरी तो अभी समझ में नहीं आया। नहीं, क्योंकि आरोप जब लगने शुरू हुए सीबीआई के भीतर से ही, तो उसमें अजीत डोवाल का नाम भी उसमें घसीटा गया, एक राज्य मंत्री का नाम आया। देखिए, ये सारे आरोप एक हलफनामा दायर कर किसी ने करे हैं। अब हलफनामा कोर्ट के सामने है, श्वेता जी कोर्ट तय करेगी ना इसकी जांच कर कि ये क्या है। और आरबीआई का मामला, आरबीआई के मामले में भी हमारी सरकार ने कोई दखल नहीं करी। आरबीआई और सरकार के बीच में संवाद होना ही चाहिए, ये संवैधानिक स्थिति है, आरबीआई एक्ट के अंदर इसका प्रोविजन है, और कोई एक्ट के प्रोविजन के तहत आरबीआई से चर्चा होती है। इसमें दखल शब्द उपयोग करना मुझे नहीं लगता ठीक है। दखल किसको कहते हैं? जैसे जवाहरलाल जी ने आरबीआई डायरेक्टर को बुलाकर इस्तीफा ले लिया था, इंदिरा जी ने ले लिया था, उसको दखल करते हैं। तो अगर आरबीआई के कोई उच्च अधिकारी सरकार की आर्थिक नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या टकराव इसमें देखा जाए?
नहीं, कई बार हुआ है, कई सारे आरबीआई के गवर्नर ने सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करी है। उनका काम आरबीआई चलाना है, हमारा काम सरकार चलाना है, हमारी पार्टी सरकार चला रही है। तो ये लोकतांत्रिक है? हाँ, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक। कमलनाथ का एक वीडियो बहुत ज्यादा लोगों के सामने आया जिसमें वो मुसलमानों से अपील करते हुए नजर आए, आपको लगता है इस तरह का ध्रुवीकरण काम करेगा इन चुनावों में? नहीं, आपको इसमें आश्चर्य क्या होता है, कांग्रेस हमेशा ये करती है। पहले भी नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में उन्होंने क्रिश्चियन मैनिफेस्टो बाहर निकाला है, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस हर बार करती है, जाति और धर्म के आधार पर चुनाव को ले जाना चाहती है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जाति धर्म और परिवारवाद, ये मतलब तुष्टिकरण, अपीसमेंट, परिवारवाद और जाति, ये तीनों को चुनाव के बाहर लगभग लगभग निकाल दिया गया। उनका प्रयास है लोकसभा चुनाव के पहले फिर से लाया जाए। पर मध्य प्रदेश में 30 सीटें लगभग ऐसी नजर आ रही हैं जहां पर बेटे बहू अलग अलग नेताओं के नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में, तो ये वंशवाद नहीं? ना, मैं समझाता हूँ वंशवाद क्या है। कोई नेता जब राजनीति छोड़ देता है और उसका बेटा अगर चुनाव लड़ता है तो ये वंशवाद नहीं है। मगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, आपको पार्टी का अध्यक्ष बनना है, तो एक ही परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, वो वंशवाद होता है। आप मेरी बात दोनों के बीच का अंतर समझ रही हैं? बहुत बड़ा अंतर है और आप लोगों ने एलोब्रेट कर जनता के सामने इसको रखना चाहिए। जो आप मुझे माफ करना मगर कोई नहीं करता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी जी जब पद छोड़ने वाली थी, उन्होंने घोषणा कर दी, आपके मन में 0.00001% भी कंफ्यूजन था कि राहुल गांधी नहीं बनेंगे? नहीं, उस समय से उनके ताजपोशी की बात हो रही थी। नहीं, मगर आप भी तो मानती थी ना, तो इसको वंशवाद कहते हैं। आप बताइए, मेरे बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? इसको डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं। जी नहीं, मैं इतना समझना चाहती हूँ कि अगर एक आम कार्यकर्ता है किसी सीट पर, उसे लग रहा हो कि मुझे शायद टिकट मिल सकता है, लेकिन अगर किसी दूसरे नेता के रिश्तेदार को मिल जाए तो क्या उसके मन में ये सवाल आएगा? जरूर आता है, मगर कई बार ये नेता के रिश्तेदार के टिकट कटे भी हैं। लेकिन वो काम के आधार पर, काम के आधार पर, सीनियोरिटी के आधार पर मिलते हैं। कश्मीर में जो हुआ है, चूंकि संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर जो सबसे ज्यादा हंगामा मचा वो इसी बात को लेकर कि क्या राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव बना था? देखिए श्वेता जी, राजनीतिक दबाव जरूर बना था, मगर ये तीनों पार्टियों ने बनाया था। ये तीनों पार्टियां एक सप्ताह से राज्यपाल महोदय को कह रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, तो राज्यपाल महोदय ने अच्छा हुआ कि प्रेस के सामने रख दिया, नहीं तो जनता के सामने बात ही ना आती। हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा था, ये कंप्लेन उनकी है, हमारी नहीं है। अब हॉर्स ट्रेडिंग होता है तो राज्यपाल ने क्या करना चाहिए, बताइए? महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी साबोटाज करना चाहती थी, इस वजह से नहीं करने दिया गया, क्योंकि आपके साथ जब तक उनकी सरकार बनती है तब तक ठीक है, अगर किसी और के साथ वो हाथ मिलाती हैं तो वो। मगर महबूबा जी ने, जब तक राज्यपाल महोदय ने ये फाइल चालू करी, 3 दिन से फाइल चल रही थी, वो ये खबर भी सूत्रों से आपकी चैनल पर ही चली है, 3 दिन से फाइल चल रही थी, 3 दिन तक कोई समर्थन नहीं दिया। 8 बजे एक आनंद फानंद में पत्र भेजा, इसके साथ ना कांग्रेस का समर्थन का पत्र है, ना एनसी का समर्थन का पत्र है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भी नहीं है। क्या सज्जाद लोन के जरिए कोई सैबोटेज की कोशिश हुई थी? नहीं, सैबोटेज कैसे होगा, हमारे पास 25 विधायक है, हम हमारे 25 का ग्रुप लेकर बैठे थे। जम्मू कश्मीर में जो स्थिति हुई है वो आपको अभी सही लग रही है, क्योंकि कोशिशें जब आपने की थी वहां पर पहली बार जब सरकार बनाई थी, दो विपरीत विचारधाराओं की पार्टी आई थी ताकि एक ऐसे राज्य में सरकार रहे जो संवेदनशील है, लेकिन परिवर्तन आपको दिखा है? देखिए, परिवर्तन तो काफी हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में भी गरीब महिलाओं को गैस मिला है। मैं मानता हूं कि नीचे तक योजनाओं को पहुंचाने में राज्यपाल शासन सफल रहा था। अब राष्ट्रपति शासन है, चुनाव आएंगे, जनता अपना फैसला सुनाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर SC ST एक्ट के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ था यहां पर, तो लोगों में गुस्सा दोनों ओर से नजर आ रहा था, उसका चुनाव पर असर देख रहे हैं? मैं इतनी सारी जगह पे घुमा हूं, भावनाएं तो है ही, मगर अब चुनाव अपने तरीके से डेवलपमेंट के मुद्दे पर चला गया है।
आप मानते हैं रोजगार भी एक मुद्दा बनेगा मध्य प्रदेश के, तो अपने सरकारी आंकड़े? श्वेता जी, बहुत सारे मुद्दे बनेंगे, सिर्फ रोजगार क्यों? 24 घंटा हमने बिजली दी है, वो भी मुद्दा बनेगा। किसानों को हमने 0% पर ऋण दिया है, लोन दिया है 0% सूद पर, वो भी मुद्दा बनेगा। 1300 करोड़ लोन देते थे, 13,000 करोड़ तक ले गए, ये भी मुद्दा बनेगा। डेढ़ गुना भाव से, लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य से गेहूं खरीदा जाता है, ये भी मुद्दा बनेगा। पहले 5 मेडिकल कॉलेज थी, आज 18 है, ये भी मुद्दा बनेगा। पहले 100 इंजीनियरिंग कॉलेज थी, 55 साल शासन करने के बाद आज 314 है, ये भी मुद्दा बनेगा। 55 साल के शासन में 45,000 किलोमीटर रोड बनाया था, 95,000 किलोमीटर है, ये भी मुद्दा बनेगा। लाडली लक्ष्मी को 1.25 लाख रुपए का बॉन्ड मिलता है, 27 लाख बच्चियों को, ये भी मुद्दा बनेगा। 42 लाख लोगों को गैस मिला है, वो भी मुद्दा बनेगा। 50 लाख से ज़्यादा शौचालय बने हैं, ये भी मुद्दा बनेगा। लगभग 40,000 घर मिल गए हैं, वो भी मुद्दा बनेगा। 1 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंच गई है, वो भी मुद्दा। बहुत सारी चीज़ें हैं मुद्दे वाली, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक राफेल का मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार, व्यापम नदारद है। देखिए, ये इनकी चालाकी होती है, एक मुद्दे को उठाओ, जब अदालत चांटा लगा देती है मुद्दे को छोड़कर, दूसरा मुद्दा उठाओ। लेकिन आपको कहीं पर राफेल को लेकर लगा कि सुगबुगाहट है शायद कोई? इसलिए सुगबुगाहट नहीं थी, इस तरह के झूठे आरोप तभी चिपकते हैं जब आपका कैरेक्टर ऐसा हो। नोटबंदी का भी शोर नहीं सुना? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राफेल के अंदर एक फूटी कोड़ी का भी घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, एक फूटी कोड़ी का। तो क्या ये चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, बीच में कोई चला गया सुप्रीम कोर्ट। अब मैं इतना पूछना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष से कि वो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? अगर उनके पास इतनी सारी सूचनाएं थी जो हर रोज माइक में बोलते रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को उनको असिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए? नहीं करते हैं वो, तो 15 मिनट की बहस करना चाह रहे हैं ना प्रधानमंत्री से। अरे बहस, मगर सुप्रीम कोर्ट में जिरह करा ले एक पूरे दिन की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था मैं सबको सुनता हूं। और मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास ये सूचनाएं कहां से आती है, जरा स्रोत डिक्लेयर करिए तो। इस सूचनाओं का स्रोत क्या है, वो लीडर ऑपोजिशन के इतने बड़े अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? अपनी इंफॉर्मेशन की विश्वसनीयता के लिए कैसी इंफॉर्मेशन करते हैं कि भाई HAL में विमान बनने थे, अनिल अंबानी के वहां बनेंगे? ना HAL में बनने थे, ना अनिल अंबानी के वहां बनने हैं, 36 के 36 विमान फ्रांस से बनकर आने हैं। अब जनता में फेंक दी बात, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। पूरे ऑर्डर में एक भी विमान भारत की धरती पर बनना नहीं है, क्योंकि इतनी अर्जेंट जरूरियात है। आपने इतने साल लगा दिए परचेज करने में, देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया आपने, हम भारत की धरती पर बना पाए इतना समय ही नहीं बचा है। नहीं, कई दफा तो कुछ लोगों के बयान भी आ गए थे, आपका फ्रांस से ही आ गए थे, डसॉल्ट से जुड़े हुए 2 विरोधाभासी बयान आ गए थे। वो बयान अलग है, मीडिया क्यों नहीं पूछता ही इनको? नहीं नहीं, वो तो सवाल तो उनसे पूछा ही जाता है। नहीं पूछा जाता, आज तक नहीं पूछा। मैं तो बारीकी से देखता हूँ श्वेता जी, देखिए अपने आप को बचाइए मत, ऐसा मीडिया कहता है अभी। अरे भाई, तो कोई और कांग्रेस के नहीं, सवाल तो पूछा जाता है मुझे, लेकिन उसका इतने विरोधाभासी बयान आ चुके हैं पहले ही डसॉल्ट की तरफ से कि वो अलग अलग, वो तस्वीर ही अलग हो जाती है। ये एग्रीमेंट में पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा गया है कि सारे विमान वहीं से लाने हैं, डसॉल्ट क्या कहेगा? सारे विमान वहीं से आने हैं, क्योंकि जल्दबाजी थी। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि महागठबंधन एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने दो विरोधी विचारधाराओं के कि पार्टियां हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो जा रही हैं? PDP NC कब किसने सोचा था कि एक साथ सरकार बनाना चाहेंगी? उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं रीट्वीट भी करूंगा महबूबा मुफ्ती की। इतना ट्वीट करा दीजिए कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। किन से? NC और PDP से? जब माया अखिलेश मिल गए तो फिर अभी कहां मिले हैं। और दूसरी बात मैं बताता हूं, ये पूरा गठबंधन जो है ये ढकोसला है। आप मुझे बताइए, चंद्रा बाबू जी यहां मध्य प्रदेश में प्रचार करने आएंगे, क्या असर पड़ेगा बताओ मुझे? कुमार स्वामी जी छत्तीसगढ़ जाएंगे, क्या असर पड़ेगा? ममता जी राजस्थान जाएगी, क्या असर पड़ेगा? सब अपने अपने राज्य के नेता है सब। और अभी से अच्छा है कि इन्होंने अपनी मनसा डिक्लेयर कर दी। अभी मायावती जी ने कहा कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए,
मैं आपके कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी जी को यही पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या चाहती है, देश में मजबूत सरकार चाहती है या मजबूर सरकार चाहती है, वो देश की जनता के सामने उन्होंने स्पष्ट कर देना चाहिए, तो गठबंधन की सच्चाई देश की जनता को मालूम पड़े। लेकिन अगर अलग अलग राज्यों में यही क्षेत्रीय नेता एक दूसरे से मिल जाते हैं, कहां मगर ममता और चंद्रबाबू का मिलन कैसे होगा? नहीं, ममता और लेफ्ट का फोटो आ सकती है, मिलन नहीं हो सकता। यूपी में अखिलेश माया का तो जरूर हो सकता है, मगर यूपी में हमारा गठबंधन, हमारा पार्टी का संगठन बिल्कुल तैयार है। हम 50% की लड़ाई लड़ने के तैयार है। काउंटिंग आए उस दिन देख लेना, यूपी में हमारी सीट कम नहीं होगी, बढ़ेगी। मतलब बाय इलेक्शन की झांकी को आप सच्चाई नहीं मान रहे? जरा भी नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको प्रधानमंत्री तय नहीं करना है बाय इलेक्शन में। 19 में जो मतदाता वोट डालने के लिए जाएगा उसको देश का प्रधानमंत्री तय करना है, और वो अभी तो नाम ही नहीं कह रहे। राहुल गांधी ने एक बार प्रयास किया तो तुरंत शरद पवार ने हवा निकाल दी, ममता जी ने निकाल दी और लालू जी के बेटे ने निकाल दी। बिहार में सब ठीक है? कुशवाहा नाराज लग रहे थे। नहीं, होंगे तो मना लेंगे, देखेंगे। सीटों का बंटवारा वहां फाइनल नहीं है अभी? फाइनल ही है, साथियों के साथ बैठकर इसको घोषणा करनी। अभी मतलब वो निश्चिंत रहे या वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं आजकल? आपके माध्यम से थोड़ी ना कहूंगा, मैं उनके साथ बातचीत करता है। लेकिन वो सुनते तो हमारे भी माध्यम से है ना? नहीं, बराबर है, मगर हम भी फोन करते हैं तो उठाते हो। सुषमा जी ने जो फैसला किया कि वो अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, आपको अभी पार्टी के फोरम पे इस पर चर्चा करना बाकी? आप चाहेंगे कि वो आगे रहें सक्रिय राजनीति? मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं कर सकता, ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, सब लोग साथ में बैठकर चर्चा करेंगे। और शिवसेना को लेकर ठीक होगी स्थिति या नहीं होगी? बिल्कुल ठीक होगी, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि वो ज्यादा विरोधी जैसे ही लगते हैं आपके? कई बार ऐसा लगता है, मगर अंत में साथ में आते हैं। अयोध्या के मामले पे अलग वो जा रहे हैं वहां पर या आपके समर्थन से गए हैं? देखिए, वो एक अलग दल है, उसका एक संविधान है, उनकी पार्टी अलग है। जहां तक सरकार का सवाल है, वो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में हमारे साझीदार हैं, बहुत अच्छे से उनके मंत्री भी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। स्ट्रैटेजी है? नहीं, स्ट्रैटेजी इतने बड़े बड़े शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए, कई बातों पर उनका एक मत होता है। आजकल जिस तरह से चुनाव के बाद अचानक जो कथित महागठबंधन के दल हैं, वो जैसे कर्नाटक में हो गया कि उनकी सरकार बन गई, आपको लगता है कि जो आपका स्ट्रेंथ था, अब विरोधी समझ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो अपने डिफरेंसेस को भूल के एक साथ आना है, चाहे प्री पोल हो या पोस्ट पोल? मैं तो उसको मानता हूं, हमारा स्ट्रेंथ है। एक जनमानस में इंदिरा वर्सी सॉल्व हुआ करता था, आज भाजपा वर्सी सॉल्व हुआ है, नरेंद्र मोदी वर्सी सॉल्व हुआ है, इसका मतलब हमारी ताकत बड़ी है और इन लोगों ने हमारी ताकत का एक्नोलेजमेंट किया है। मैं मानता हूं हम मजबूत हुए। क्या आप मानते हैं कि अभी कम से कम जो ये 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके चुनावी नतीजे एक आईना होंगे 2019 के लिए? देखिए, 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव 19 के चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। महाराष्ट्र का भी डालेगा, झारखंड का भी डालेगा, हरियाणा का भी डालेगा। चूंकि अंतिम, सुनिए सुनिए, अंतिम तो आपके लिए होता है, जनता के लिए इसकी लिंगरिंग इफेक्ट्स होती है। मणिपुर का भी डालेगा, मेघालय का भी डालेगा, नागालैंड का भी डालेगा, त्रिपुरा का भी डालेगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, ये सारे चुनाव के नतीजों के असर होने वाले। 2014 के मैनिफेस्टो में एक पंक्ति में 2000 धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर का जिक्र था, क्या इस पर ज्यादा विस्तार से 2019 के लिए? विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है, जनता एक पंक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो। तो अगर मंशा पर सवाल उठाए जाते हैं कि अरे बनाना होता मंदिर तो पहले बना लिया होता, तो ये राजनीतिक सवाल है आपके ऊपर या सच्चाई है इनमें? देखिए, विरोधी और क्या करेंगे, पूछेंगे सवाल, पूछेंगे, हमें जवाब भी देना पड़ेगा, देंगे जवाब, मगर मैं मानता हूं कि ये सारे मुद्दों पर जनता के मन में क्लैरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी की दिशा क्या है। जनता आपको संतुष्ट लग रही है जी? केंद्र के कामकाज से भी? केंद्र से कामकाज से भी संतुष्ट है और राज्य सरकारें भी, हमारा बहुत अच्छा काम। श्वेता जी, 5 साल के अंदर 5.5 करोड़ लोगों को गैस देना, 8 करोड़ लोगों को शौचालय लेना, 2 करोड़ लोगों को घर देना, 3.5 करोड़ लोगों को बिजली देना, 12 करोड़ माता और बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था बना लेना,
5 लाख तक के सब बड़ी बीमारियों में हेल्थ का खर्चा सरकार से भुगतान करना, किसानों को लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना, मैं मानता हूं इतने सारे काम नीचे तक कभी नहीं हुए आजादी के 70 सालों के बाद। क्या मध्य प्रदेश में मंदसौर के बाद स्थिति काबू में आ गई है? आपको नाराजगी? देखिए, इसके बाद कई चुनाव हुए और मंदसौर में भी एक तत्कालिक मुद्दा था, ये मुद्दे पर एक आंदोलन हुआ। अब आज ही मोदी जी की रैली थी मंदसौर की, जरा विजुअल देख लीजिएगा। तो रैली की भीड़ से माने कि मंदसौर के किसान? सिर्फ रैली की भीड़ ऐसे ही नहीं आ जाती है, लोग तभी आते हैं जब वो सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को ज्यादा सुनना चाह रहे हैं या शिवराज जी को भी? दोनों को सुनना चाहते हैं, दोनों हमारे नेता हैं। राजस्थान का जो नारा है वो तो प्रधानमंत्री के पक्ष में, लेकिन मुख्यमंत्री के विरोध में। देखिए, ऐसे नारे प्लांट करना ये बहुत पुराना तरीका है चुनाव। प्लांटेड लग रहा है? प्लांटेड ही है, और ये मैं नहीं मानता जनता पर असर डालता है। आप कभी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अगली बार 2019 में? हमारे यहाँ फैसले खुद के बारे में व्यक्ति नहीं किया करते, पार्टी करती है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी बात। धन्यवाद। ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर होगी सीधी बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।